एल्ग्रो बेसिकली यूट्यूबर्स के लिए वीडियोस बनाता है। जो भी फ्रेश यूट्यूबर्स है या फिर अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना सोच रहे हैं, सो बेसिकली यूट्यूब चैनल फास्टेस्ट ग्रो कैसे करें उसके ओवरऑल वीडियोस बनाता है। एल्ग्रो बेसिकली दूसरे वेल नोन एंड पॉपुलर यूट्यूबर्स की जर्नी को एनालाइज करता है और उनके ग्रोथ के फैक्टर हमें प्रूफ के साथ दिखाता है, और ये सारी चीज़ें उसने खुद के चैनल के साथ भी इम्प्लीमेंट की हुई होती है। सो YouTube का अल्गोरिदम कैसे वर्क करता है और कैसे वीडियोस वायरल होते हैं YouTube पे, ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस उसने अपनी चैनल पे बना के रखे हैं। सो वही सारे वीडियोस को आज मैं ये एक वीडियो में समराइज करने वाला हूँ। एक्चुअली YouTube चैनल ग्रो करने का कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है जिसमें से एल्ग्रो ने ग्रो किया है दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल्स को एनालाइज करके, जिसमें फर्स्ट आता है थंबनेल्स। आपको अपना थंबनेल ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड आई कैची रखना होगा। इसके लिए आप कस्टमाइज थंबनेल्स का यूज़ कर सकते हो कि लोग वो वीडियो पे क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए, उसको बोलते हैं क्लिक बेट। सेकेंड चीज़ है कीवर्ड्स। आप अपने वीडियो के रिलेटेड ऑनलाइन कीवर्ड सर्च कीजिए, मैक्सिमम आपके टॉपिक को लोग कैसे सर्च करते हैं और उसमें कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। सो आपका थंबनेल एंड टाइटल कुछ ऐसा रखिए कि लोग क्यूरियस हो जाए आपके वीडियो को क्लिक करने के लिए। एग्जाम्पल, आप अपने वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे रखें 100 सब्सक्राइबर्स इन 2 डेज या 1K व्यू इन जस्ट 1 आवर विथ प्रूफ्स। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिनकी जर्नी में आपको देखने को मिलेगा है, जिन्होंने ये सब अचीव करके रखा है और यही सारे वीडियोस एल्ग्रो ने अपनी चैनल पे डाले हैं और खुद भी ये चीज़ यूज़ करके अपनी चैनल को ग्रो करवाया है। दूसरी चैनल्स है जैसे कि सौरव जोशी ब्लॉग्स, पायल जोन एंड टॉक्सिक, ये काफ़ी सारी चैनल्स है जिसकी ग्रोथ आप प्रूफ के साथ देख सकते हो। खुद एल्ग्रो चैनल की भी ग्रोथ आप देख सकते हो। सो एज एन एग्जाम्पल, ऐसे सारे टाइटल्स एंड थंबनेल के साथ कोई भी आपकी वीडियो देखने के लिए क्लिक करेगा ही करेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए जानने के लिए। बट सपोज़ आपकी चैनल पे लोगों ने थंबनेल्स और टाइटल देख के क्लिक तो कर लिया, पर ये गारंटी नहीं है कि वो लोग एंड तक ये फुल वीडियो देखने वाले हैं। मतलब सिर्फ आई कैचिंग थंबनेल और अच्छे से कीवर्ड यूज़ करके टाइटल रखना इज़ नॉट ओनली द थिंग, बट उसके साथ एक तीसरी भी चीज़ है जिसके बिना अच्छे से अच्छे टाइटल एंड थंबनेल के साथ भी लोग आपकी वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे, और वो है कंटेंट। आपका वीडियो का कंटेंट एकदम तगड़ा होना चाहिए कि लोग वीडियो देखने में लास्ट तक एंगेज रहे, तभी अच्छी तरह आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। अब आप बोलोगे ये तगड़ा कंटेंट कहाँ से लाए? इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी पोटेंशियल ऑडियंस कौन है, सबसे ज़्यादा आपके वीडियोस कौन सी कैटेगरी के लोग देखते हैं और सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपके किस वीडियो पे आते हैं। और ये सारा आपका काम YouTube ने एकदम ईजी कर दिया है YouTube स्टूडियो ऐप देके। YouTube स्टूडियो ऐप में आप सब कुछ देख सकते हो कि कौन से एज की ऑडियंस है, आपकी कौन सी ऑडियंस आपके कौन से वीडियोस देखती है, सबसे ज़्यादा कौन से वीडियोस लाइक होते हैं। ये पूरी एनालिसिस YouTube स्टूडियो आपको करके देता है। आपको जस्ट उसमें से देख के आइडेंटिफाई करना है आपकी कोर ऑडियंस को, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि लोगों को सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद है और आप उसी टॉपिक पे वीडियोस बना सकते हैं। सो लास्ट तक आपकी ऑडियंस एंगेजिंग रहेगी आपके वीडियो में। एक और एल्ग्रो की एनालिसिस में उसने बताया है कि वीडियो कंटेंट कैसा रखना चाहिए। जब भी आप वीडियो कंटेंट सिलेक्ट करो तो ऐसा कंटेंट सिलेक्ट करो जो कि एवरेज हो, हाँ एवरेज, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ना हो। ऐसे वीडियोज़ पर अच्छे से थंबनेल लेके अच्छा सा टाइटल डाल के उसी टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं। भले ही ये वीडियो एवरेज हो बट आपके लिए बहुत सारे अच्छे से व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स गेन कर सकता है कि आपके इनिशियल स्टेज और फ्रेश चैनल के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही तगड़ा होगा, क्योंकि वैसे कोई टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बने नहीं होंगे। सो YouTube के अल्गोरिदम में आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा अट्रैक्टिव थंबनेल्स, सेकेंड है कीवर्ड्स एंड टाइटल्स, थर्ड है तगड़ा हैवी कंटेंट। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप YouTube के अल्गोरिदम को हैक करके अपना वीडियो वायरल करा सकते हैं। बट इसके लिए और भी कई ज़्यादा फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर आपको इस पे दूसरी वीडियो चाहिए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ, मुझे कमेंट करके लिखिए।
अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगा।